नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार की प्रमुख लोक कला मिथिला पेंटिंग की पहचान ही अलग है। आपको बता दें कि इस मिथिला पेंटिंग से जुड़े कलाकारों और मिथिला पेंटिंग के बारे में अब कनाडा और जापान के लोग भी जान सकेंगे। आपको बता दें कि बहुत जल्द जापान और कनाडा के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों पर मिथिला पेंटिंग लगाई जाएगी। बता दें कि जापान में मिथिला पेंटिंग काफी लोकप्रिय है। पूर्व मध्य रेल की ओर से मधुबनी स्टेशन और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सजाए जाने के बाद अब मिथिला पेंटिंग की ख्याति दूर देश तक जाएगी। बिहार के मशहूर मिथिला पेंटिंग्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान मिली है। बता दें कि यूनाइटेड नेशंस के भारतीय कार्यालय ने ट्विटर के माध्यम से दोनों ट्रेनों की सजावट को सराहा है। अब जापान और कनाडा जैसे देशों ने भी अपने यहाँ की ट्रेनों और स्टेशनों को मिथिला पेंटिंग से सजाने की कवायद शुरू कर दी है। दोनों देशों ने रेलवे बोर्ड से इस संबंध में जानकारी मांगी है। रेल मंत्रालय की ओर से दोनों देशों को इसकी पूरी जानकारी भेजी जा रही है। पूर्व मध्य रेल के CPRO ने बताया कि रेल प्रबंधन की ओर से बिहार की मशहूर मिथिला पेंटिंग को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की गई है। बता दें कि पटना जंक्शन, पाटलिपुत्रा स्टेशन, मधुबनी स्टेशन, राजेंद्र नगर टर्मिनल के साथ ही राजधानी और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को मिथिला पेंटिंग से पूरी तरह सजाया गया है। इससे इस कला को विश्व के कई देशों में पहचान मिली है। इस कला से जुड़े कलाकारों को दूसरे देशों की ट्रेनों और स्टेशनों को सजाने का ऑफर मिलने लगा है। बता दें कि विश्व के कई देशों के उच्चाधिकारी भी मिथिला पेंटिंग से काफी प्रभावित हुए हैं। अब वे भी अपने देशों में चलने वाली ट्रेनों को इस कला के माध्यम से सजाने की योजना बना रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द एसटी न्यूज के साथ।